हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली रिव्यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बेस्ट मॉइस्चराइजर्स बताने वाली हूँ ऑयली स्किन के हिसाब से गाइस। ठीक है दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे। और मॉइस्चराइजर आप रोज़ यूज़ कीजिए, डेफिनेटली यूज़ कीजिए। टीनेज उम्र में ही आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना चालू कर देना चाहिए। लाइक फ्रॉम 14 ईयर्स से ही आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना चालू कर देना चाहिए। और दिन में दो वक्त आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, एक सुबह के टाइम और एक रात को सोने से पहले। अगर आपके पास नाइट क्रीम है तो आप नाइट क्रीम यूज़ कीजिए। अगर कोई टीनेजर मुझे देख रहा है, नाइट क्रीम नहीं है तो आप जो है मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसा नाइट क्रीम आपके फेस पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको एक एक मॉइस्चराइजर बता देती हूँ ऑयली स्किन के लिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फ्रेंड्स, ये रहे सारे ही मॉइस्चराइजर्स जो ऑयली स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इन सबकी इंडिविजुअल रिव्यूज़ मेरे चैनल पे है दोस्तों, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इनकी रिव्यूज़ आप चेक कीजिएगा। तो सबसे पहला जो है ये है लैक्टोकैलामाइन, ये वायलेट कैप आप कह सकते हैं या पर्पल कैप, ये वाली जो है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ये कैलोविन क्ले कंटेन करती है, जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन, एस्ट्रोजन कंटेन करती है। इसका पिंक फॉर्मूला है दोस्तों, ये स्किन पर बहुत बढ़िया तरीके से ये पेनेट्रेट होता है और ये बहुत एक ग्लोई सा लुक देता है फेस पे। प्लस ये आपके पिंपल्स, एक्ने को बहुत जल्दी हील करता है, उन्हें वैनिश करता है। सो इट्स रियली रियली वेरी गुड गाइस, और नॉन स्टिकी लुक देता है आपके फेस पे, तो आप डेफिनेटली उस पे जा सकते हैं। देन सेकेंड इज़ प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र, ये ग्रीन टी की तासीर रखता है, मैटिफाई लुक देता है आपके फेस पे। हाईली रिकमेंड करूँगी ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन को। मतलब प्लम का मैटिफाइंग ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र और लैक्टोकैलामाइन, ये दोनों ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन वाले इसे बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं गाइज़। आप इनकी इंडिविजुअल रिव्यूज़ ज़रूर मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, एक्चुअली सबकी है तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। पम्प फॉर्म में आती है जो पम्प की ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र है, विच इज़ रियली वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि पायरामिल ब्रांड जो है लैक्टोकैलामाइन को भी पम्प फॉर्म में बना दे, दैट्स इट। बाकी दोनों ही बहुत कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। देन ये अगर आपका बजट थोड़ा होना हायर साइड है तो आप लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट जो क्रिस्टल माइक्रो एसेंस आता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से स्किन पे एक ल्यूमिनस सा लुक देती है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, रेडिएंट करती है आपके स्किन को। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों, मतलब ये सेरम बेस्ड है। ये 1400 की आती है, 1400 की है, बट इसमें छोटी वाली भी आती है बॉटल, तो आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास है प्लम की ग्रीन टी नाइट जेल गाइस, या आप रात के समय में यूज़ कर सकते हैं इस जेल को, बट आप इसे दिन में भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी से बना हुआ है, जेल बेस्ड है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का इसका फॉर्मूला है, एंड दिस वर्क्स रियली वेरी वेरी फैब ऑन योर स्किन। फ्रेंड्स, मानिएगा इस चीज़ को। एंड ये देखिए, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, जो कि निविया सॉफ्ट के आप देख सकते हैं लिमिटेड एडिशन वाले जो मॉइस्चराइज़र है, ट्रॉपिकल फ्रूट जो येलो वाला है, चिल विद मिंट जो ग्रीन वाला है, और बेरी ब्लॉसम जो पिंक वाला है। ये भी सारे ही ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इनके जो फार्मूलाज हैं तीनों के वाइट कलर के ही हैं, सो द मतलब इनका मगर जो प्रोडक्ट है ना अंदर से, ये बहुत कमाल के रिजल्ट्स देता है दोस्तों। डव की एक डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती है विद नो ग्रीसी फील, ये पिंक टब वाली है गाइस, ये भी ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप डेफिनेटली इसे यूज़ कीजिएगा। मतलब एक बहुत रेडियंट सा लुक दे देगा आपके फेस पे। और डव ब्रांड तो आप सभी जानते हैं कि स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट है ये ब्रांड, स्पेशली फॉर द फेस स्किन केयर गाइज। सो ठीक है, एंड निविया सॉफ्ट तो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं इसे टीनेज से यूज़ करती आ रही हूँ। दिस इज़ माई वन ऑफ माई टॉप फेवरेट्स। ये निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर है, विटामिन ई के साथ आती है, विच रियली वर्क्स रियली वेरी नाइसली ऑन योर स्किन। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसे ऑयली स्किन वालों के लिए गाइज, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन भी चाहे तो इसे यूज़ कर सकती हैं। सो ठीक है, एंड नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर है ये है लैक्मे का स्पीच मिल सॉफ्ट क्रीम, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत पीची सा इसका फार्मूला है और बहुत बेस्ट लगता है ये फेस पे, स्किन को हाईली ये बहुत सॉफ्ट कर देता है और रेडिएंट कर देता है। ये सारे ही मॉइस्चराइजर्स जो हैं दोस्तों, ये ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप डेफिनेटली इन्हें यूज़ कीजिएगा, एंड देयर वर्क रियली वेरी गुड ऑन योर स्किन। सो गाइज़, आपने देखा ये सारे ही ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर्स हैं, और इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कीजिए, आपके बजट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही बहुत बहुत बेस्ट काम करते हैं मतलब ऑयली स्किन के लिए, और बहुत कमाल के रिजल्ट्स देते हैं आपके फेस पे। बताइएगा ज़रूर आपको आज की वीडियो लगी कैसी है, और वीडियो को डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं, मुझे पहली बार अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आ रहा होगा अपने
स्क्रीन पर, उस पर दबाइएगा और एक घंटी नज़र आ जाएगी, तो घंटी पर भी डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है गाइज़, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है डेली पंजाबी लाइफ स्टाइल, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, डेफिनेटली दूसरे चैनल पर भी जाकर उसे भी ज़ोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है गाइज़, एंड आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, बाय।